मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर कुछ दिनों पहले भगदड़ मचने के कारण हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद अब खबरें हैं कि इस पुल का निर्माण रक्षा मंत्रालय और सेना साथ मिलकर करेगी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जायजा लेने के लिए एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ वो सेना और रेलवे मंत्रालय युद्ध स्तर पर एल्फिंस्टन पुल का निर्माण कराएंगे। आपको बता दें कि स्टेशन के पास का कुछ हिस्सा आर्मी के अधीन आता है, इसलिए सेना इस काम में हाथ बटा रही है। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोग सेना की मदद से 3 ब्रिजों का निर्माण करेंगे। इन ब्रिजों का निर्माण जनवरी तक कर लिया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले कि हमने हादसे के बाद लगातार रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर बैठकें की हैं। एल्फिंस्टन करी रोड और एक अन्य ब्रिज को सेना और रेलवे मिलकर बनाएंगे। आपको बता दें कि बीते 29 सितंबर को एल्फिंस्टन ब्रिज पर मची भगदड़ के कारण 23 लोगों की मौत हो गई थी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।